उसके बाप के निकाह में है तू, अपने मर्द से छुटकारा। नहीं, बस शादी ना हो उसकी। अरे बंद करो ये गाना, क्या हो रहा है यहाँ पे तमाशा? अरे क्या हो गया? अल्लाह माफी, नाच गाना, तौबा तौबा तौबा। ये क्या हो गया, क्या हो गया? ये होता है शुरफा के यहाँ तकारीब में जो तुम कर रही हो शोर शराबा? मेरी बच्ची काय को इतना हम कर रही है? नफले पढ़, मैं तो कहती हूँ शुक्र अदा कर अल्लाह का कि तेरी शादी इतने नीच लोगों में ना हुई। मैं खुद नहीं करती ऐसे बदजातों में अपनी बेटी की शादी। इंशाल्लाह देखना कितने अच्छे घराने में तेरी शादी होगी। फिर सियाने कह गए देर आयत दुरुस्त आयत। शादी करें, लोगों की बकवास का डर होता है घर रह जाने वाली लड़कियों को। मेरी चंदा मेरी गुड़िया, चंद महीनों की बात है, सबों से कह रखा है और मैं खुद ताखीर नहीं करूंगी मेरी लाडो, देख लेना। तुम्हारे बाप को सारा खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो छाल छक्का के लिए कैसी तिजोरियों के मुंह खुले रहते हैं। अच्छा यूं कर, चल मेरे साथ ना मेरे कमरे में सो जा, ये कमरा बड़ा मनहूस है। इसी कमरे में तेरी दादी दादा फूफी सबको मौत आई थी यहीं पर, बता रही हूँ, मेरा तो दिल बड़ा हौलता है। चलो आओ, आ जा मेरे कमरे में, आ जा। बहुत ही मनहूस कमरा है। कॉफी तो बहुत मजे की, शुक्रिया। अपनी चूड़ी का नाप बता देना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी चूड़ियां लेकर आऊंगा। क्यों, क्या जरूरत है? जरूरत तो शायद कुछ भी नहीं, लेकिन चूड़ियां तुम्हारे हाथों पे बहुत अच्छी लगी। आपकी कलाइयों पे भी बड़ी खूबसूरत लगेगी। फिर टेढ़ी बात, आप कुछ करते क्यों नहीं? वो छोटे मामू जान और मामी जान आपकी वजह से काफी परेशान रहते हैं। बुरी लगी आपको हमारी बात? नहीं तो, इतनी बार सुन चुका हूं कि जानती हो इंसान ठीठका बनता है जब वो ये जान जाता है कि उसे वही सब कुछ बनकर दिखाना है जो लोग उससे तवक्का कर बैठे हैं। अबू कहते हैं कि एक नंबर का गधा है, पाजी है, मेरी उम्र के लड़के कहां कहां नौकरी कर रहे हैं और मैं अभी तक उनके दिए हुए जेब खर्च पे पल रहा हूं। क्या मैं सारी जिंदगी उनके जेब खर्च पे इसी तरह पलता रहूं? अब तो मुझे वाकई में लगने लगा कि मुझे कोई काम नहीं करना, वो कमाएंगे और मैं धड़ल्ले से उड़ाऊंगा। नहीं है मुझमें गैरत, नहीं है मुझमें खुददारी। आप गलत कह रहे हैं, गलत सोच रहे हैं आप। मुझे ये बताओ कि क्या सिर्फ वालिदैन के हकूक ही होते, औलाद के कोई हकूक नहीं होते? क्या कुछ करना चाहता था, आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन पता क्या हुआ? बताऊं तुम्हें क्या हुआ? अबू के कारोबारी तो चल रहे, लाखों के घाटे,
इसे स्कूल से उठा लो, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा भला एमबीए कर रहा था, एक आध ट्यूशन भी पकड़ ली, लेकिन फिर वही कहते कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ एक आध महीना उन्होंने मुझे पैसे दिया और फिर हाथ उठा लिया, कहते कि पैसे जमा करके कोई कारोबार करूंगा, कम से कम इससे तो बेहतर है दादाबू की सारी दुकानें तक बेच डाले, ये घर तक गिरवी रखवा दिया। दादाबू आगे ना होते तो इस वक्त हम सारे ईदी होम में होते। जानती हो मैं 2 साल स्कूल नहीं गया क्योंकि हमारे घर के हालात इस काबिल नहीं थे। क्यों मुकम्मल हुई मेरी ये टूटी फूटी तालीम, और इस टूटी फूटी तालीम ने पेश किया यासी सराजुल हक जैसे टूटे फूटे और नकारा इंसान को। रोना मुझे भी आता है, क्या मर्दों को रोने का कोई हक नहीं? माशरे ने उनसे यही हक तो छीनकर उन्हें जंगली जानवर बना दिया। मैं रो रहा हूं यार, दिल से रो रहा हूं, ये कोई ठोंग और ड्रामा नहीं है। आपके हाथ में, लड़की की बदनामी को तो उसका हक समझा जाता है, अगर अगर लड़की की बदनामी उसकी कब्र तक उसके साथ जाती, आप चले जाइए यहाँ से। क्या हो गया भाई, सुबह सुबह मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। अरे भाई मेरी नौकरी चली गई, इसकी परेशानी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और बिजनेस जो है ना कारोबार, उसमें बड़ी बरकत भी है और बहुत पैसा भी। क्या क्या कहा, नौकरी छोड़ दी? अरे रिजवान कह रहा था कि सिराज भाई आप फिक्र मत करें, मेरे साथ मिलकर बिजनेस करें, आप काम करते चले जाएं, मैं पैसे लगाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा है कि जल्द अज जल्द 2 लाख रुपए का कहीं से इंतजाम हो जाए ना, तो वो मैं उसके साथ बिजनेस में लगा दूं रिजवान के साथ, ताकि फिर पल्ला भारी रहेगा और फिर कारोबार करने का बराबरी के तरह से मजा भी आएगा, और वैसे भी खाली सर्विसेज की बुनियाद पर मुझे कितना पैसा मिल जाएगा। लो मैं भी किससे कह रहा हूं, आपको पता है रातों को इस घर में क्या हो रहा है? क्यों, तुम्हें फिर जिन्नात का शुबा हो गया इस घर में? अरे इन दुनिया वालों की हरकतें देख के जिन्नात यहां से कूच कर चुके हैं। अपनी कॉमेडियां ना अपने पास रखी, जब से वो लड़की आई है ना इस घर में अजीब नहुसत और मुसीबत आई हुई है। पता है कल रात को क्या हुआ है? पता है आपको, कल रात दोनों को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है उस हालत में। अब क्या कहूं मैं, बस शबनम और नदीम का कोई रोमानी मंजर लग रहा था। हमारा तो लौंडा पहले ही 2 कौड़ी का, अब तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। अरे ये हमारे यासिर का चिचोरापन होगा, वरना वो बच्ची तो बहुत संजीदा बहुत शरीफ है। ओ हो, बड़ी संजीदा सुलझी हुई लड़की है,
गुन्नी है, गुन्नी है एक नंबर की। इसीलिए मैं डरती थी। जवान लड़की की जिम्मेदारी बच्चों का खेल नहीं है। बस अब मैं उसको यहां नहीं रखूंगी। क्या पागल हो गई हो? फिर कहां जाएगी वो, किसी दारुल अमान में? मैंने सोच लिया है, मैं भाभी से बात करने वाली हूँ। क्यों? भाभी क्या, भी तो जवान बेटा है। लेकिन भाई जान से किसी लड़की को कोई खतरा नहीं है। कहां मिलती है ऐसी शराफत मर्दों में आजकल, नजरें नीची, चेहरे पे हया। भाभी जरूर मानेंगी, कभी भी नहीं मानेंगी। और देखो अलमास, मैं अपनी जिम्मेदारी पर जहारा को यहाँ लेकर आया हूँ। आप इतने बरसों से मेरे साथ हैं, कभी आपने देखा कि मैंने किसी पे तोहमत लगाई हो या उल्टा इल्जाम लगाया हो? हाँ देखा आपने, या कभी मैंने हंगामे खड़े किए हो? फिर देखें, आपकी जिद की खातिर जानते बूझते हर बार मैंने फिर भी रजामंदी जाहिर की। मैं एक हकीकत पसंद औरत हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि लड़की खराब है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारा सिक्का ही खोटा है। हाँ, और लड़कियां तो इस उम्र में कच्ची पक्की बातों को बहुत पसंद करती हैं, और हम इस बात को इस हद तक क्यों बढ़ाएं कि ये आगे जाके हमारे लिए बर्बादी का सबब बन जाए? हाँ क्यों बढ़ाएं भाई, बस वो यहाँ रहे या वहां क्या फर्क पड़ता है, आप उसकी खैर खैरियत रख सकते हैं ना। ओह ओह, तुम्हारी एक बात भी मेरे समझ में नहीं आ रही। मेरा दिमाग तो नए बिजनेस में लगा हुआ है, पता नहीं क्या कहे जा रही हो तुम। मुश्तरी, ए तश्तरी, आ भी जा बहन। जी आ गई भाभी। ए मुश्तरी, अंग अंग टूट रहा है इन शादी के झमेलों में। मुश्तरी, इतना सा तंबाकू होगा, देना जरा, मुंह का जायका खराब हो रहा। गुटका है भाभी, तू क्या? नहीं नहीं, गुटका मत देना। कुछ दिनों पहले अनवार साहब ने तेरा गुटखा खाते हुए मुझे देख लिया था। अए है, इस कदर बिगड़े हैं, ऐसे नाराज हुए हैं, कह रहे थे कि ये गुटखा खाती हुई औरतों से ना मुझे घिन आती है। एक गुटखा तो बड़ा फायदेमंद होता है भाभी, जरा तबीयत ऊपर नीचे हुई, दो पैकेट मुंह में डाले और 16 साल लौंडिया बन गई। अरे फुर्ती ऐसी कि पूछो मत। भाभी भाई हमारा हिसाब कर दो। हाँ हाँ कर दूंगी, इतनी जल्दी काहे को है। बस काम से हाथ उठा लिए मैंने, निम्मो शाम को आएगी कपड़े दे जाएगी। आए है, काम से हाथ उठा लिया है? आई किसी मिनिस्टर या सफीर का रिश्ता तो नहीं आ रहा तेरे लिए? हवेली में नौकरी लग गई है। आई क्यों छोटी मोटी नौकरी के लिए बरसों के जमे जमाए काम को लात मार रही? आई छोड़ो भाभी, काम कम पर जिल्लत ज्यादा। अरे टके टके के लोगों के आगे भिखारन की तरह हाथ फैलाना पड़ता है, और वो लोग बड़े ही अमीर कबीर खानदानी लोग हैं। महमूदा को ऐसा प्यारा कमरा दिया है कि क्या बताऊं, टीवी, फ्रिज, केबल, सब कुछ है। देख लीजिए, दो नंबर ना हो, आजकल तो जिसके पास भी पैसा उबलता है ना, समझ लो दो नंबर है वो। क्या बात करती हो भाभी, अभी का पैसा थोड़ी है उनके पास। क्या बात करती हो भाभी, अभी का पैसा थोड़ी है उनके पास। तूने बड़ी इंक्वायरियां बिठाई हुई है। अब तो पूरी जिंदगी हवेली में ही गुजारूंगी, महमूदा की बेटी सफूरा की तरह ताजर बीबी मेरी बेटी की शादी भी खूब धूमधाम से करेंगी। चली जा, आना यही है तुझे वापस। सुन कोई काम वाली तो दिला दे मुझे, जने कौन कौन से तावीज गंडे कराए उस पारों ने मुझ पर। कभी शुगर बढ़ती है, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कभी घुटनों में पैन है, कभी जोड़ों में पैन है। इरम तो फिर भी घर के कामों को हाथ लगा लिया करती थी, मगर ये फायजा हिल के काम को हाथ नहीं लगा। मगर वो क्या करे, परेशान भी तो है बेचारी, चिड़चिड़ी हो गई है ना थोड़ी सी। और एक तो उसके अब्बा ने उसके दिमाग में शादी घुसा दी है,
इसके अलावा वो कुछ सोचती नहीं। मैंने कहा कि भाई यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो, पढ़ाई भी चलती रहेगी, दिल भी लगा रहेगा। मगर नहीं, मेरी कोई बात नहीं सुनती, कोने खुदरों में पड़ी रोती रहती है। हाँ, एक जगह मैंने अपनी फायदा के लिए बात की थी, अरे वो लोग तो अभी आना चाह रहे थे, पर मैंने कहा जरा उनके यहाँ की शादी निमट जाए तो फिर ले चलूंगी, सबर करो अभी। बस तो अब ये काम तेरी जिम्मेदारी है, तू नहीं करवाना है। और हाँ, वो नौकरानी वाला भी समझी, कल समेट ले काम जाकर। अब मेरा कोई कसूर नहीं है, मगर फिर भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब चले जाए यहाँ से, छोटी मामाई आ गई तो मुझे किसी की परवाह नहीं सिवाय तुम्हारे। सोचता रहा तुम रात भर रोती रही होगी, मैं भी जागता रहा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फिक्र। हमारी इज्जत आपके हाथ में, लड़की की बदनामी को तो उसका हक समझा जाता है, मगर अगर लड़की की बदनामी उसकी कब्र तक उसके साथ जाती, आप चले जाइए यहाँ। प्लीज मुझे माफ कर दो जहारा। आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर माफी मांगे। अगर वाकई ऐसी गलती की होती जैसा आपकी अम्मी ने सोची हुई है तो हम खुदा आपको कभी माफ ना करते। बहुत बहुत जिद्दी हैं हम कुछ मामला। चारा, तुम मुझे बदल सकती हो। और कितनी लड़कियों से की है आपने यही बात? सच कहूं तो तुम पहली लड़की हो जिससे ही मैंने बात की। हाँ, आई लव यू मैंने हर दूसरी लड़की को बोला। अब चले जाइए ना, बात पहले ही बहुत बिगड़ चुकी है। खिड़खिड़ाओ तुम मत, कह दो जाने का कह रही हो ना, लो चला जाता हूं। क्या बोल क्यों नहीं रही हो, सुन रही हो जो भौंक रहा हूं या फोन साइड पे रखा है तुमने? जी जी सुन रही हूँ। नहीं, तुम्हारी अम्मी को बिल्कुल तमीज नहीं है कि लड़की के ससुराल वालों से कैसे डील किया जाता है। वो मेरी हैदराबाद और मीरपुर खास वाली जो फुफुआ है ना, उन्हें इतना मुंह फुलाया हुआ है। नहीं, हम कोई फकीर हैं, फुटपाथी हैं हम। वो मुझसे ये कह रही थी कि ताबिश के ससुराल वालों ने एक साल ना किया। और सुनो, हम लोग अपने खानदान की लड़कियां ब्याहते वक्त सिर्फ जान बख्श के बाकी सब कुछ दे देते हैं, इसीलिए हमारे खानदान की लड़कियां ससुराल में ठस्से से रहती हैं और इज्जत भी होती है उनकी। लेकिन ताबिश, आप ये भी तो देखे ना कि हमारे तो यही डन हुआ था कि मेहंदी के फंक्शन में दोनों तरफ से आधा आधा होगा, फिर आपकी अम्मी ने कहा कि हमारी तरफ से मेहंदी का फंक्शन होगा ही नहीं, 150 के करीब लोग थे आपके। अच्छा बस बस, गलत बयानी मत करो मेरे साथ, 140 लोग थे, वो भी बमुश्किल। आप मुझ पे गुस्सा क्यों उतार रहे हैं? लेकिन मेरी तो किरकिरी हो गई ना सबके सामने। अगर तुम लोगों ने ये बेहुदा नाच गाने वाला फंक्शन करना ही था तो तुम लोगों को ये पता नहीं है कि लड़की वालों की तरफ से मेहंदी के फंक्शन में लड़के वालों की तरफ खाना जाता है। लेकिन ताबिश, फरिया मैं बाद में बात करती हूँ, अम्मी को कोई काम है मुझसे। क्या वरगला रहा था वो? सारी बातें सीढ़ियां चढ़ते वक्त सुनी है मैंने तेरी। अम्मी जब इतना सब कुछ किया था तो खाना भी दे ही देती। ताबिश के रिश्तेदारों का सोचे, आधी रात को पहुंचे वो, पूरा घर ताबिश के रिश्तेदारों से भरा हुआ था। सुबह उनका नाश्ते के लिए बंसरोट निकल गए वो, इसलिए चिड़चिड़े हो रहे थे। इसलिए चिड़चिड़े हो रहे थे,
अरे किस खुशी में उन बेगैरतों के साथ हम खाना कर देते, एक ढेला तो खर्चा नहीं है उन्होंने। बात सुने रम, ये जो तू डर डर कर खामोशी से उसकी बात सुनती है ना, इसी वजह से उस खबीस और उसके घर वालों के दिमाग खराब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं। अम्मी खबीस क्यों कह रही हैं उन्हें? क्या कहूँ, नमरूद कहूँ, जलील कहूँ, इबलीस कहूँ, क्या कहूँ मैं? बड़ी बड़ी औंधे दिमाग की लड़कियां मैंने देखी है, मगर तेरे जैसी गबी और सड़ियल दिमाग की लड़की मैंने नहीं देखी। जीव डिजाइन का ससुराल है, नंदे कुंवारी बैठी है, उनकी शादी की कोई फिक्र नहीं, सास है वो जबान दराज, इंतहाई चंडाल लड़ाका और पुटलियों की सी लगाई बुझाई करने वाले शोहर। पता नहीं किस जहन्नुम में झोंक रहे हैं अनवार साहब तुझे। ठीक कहते हैं अब्बा, आप भी फायजा की तरह नहीं चाहती कि मेरी शादी हो। अच्छा मैं तो हूं ही बहुत साजिशी बदमाश औरत, और तू और तेरे अब्बा नूरानी फरिश्ते। मैं भी तुझे चैलेंज करती हूँ, 3 महीने के अंदर अंदर अगर तू उजड़कर इस घर में वापस ना आई तो मेरा नाम भी सैयद अरास खाबानों से बदल के कल्लो चमारन रख देना। ये शादी चलने वाली नहीं है, मैं अपने तजर्बे से कह रही हूँ, और मेरा तजर्बा कोई मामूली तजर्बा नहीं है। ये नहीं चलेगी शादी, बैठो अब, कम बहुत मनहूस। आज से घर का पूरा इंतजाम, खर्चे वगैरह सब पारो करेगी। आज तो जन मुरीदी का आखिरी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया अनवार साहब। हाँ तारिक साहब, ये देखें, अब शादी ब्याह में इस किस्म की छोटी मोटी बदमस्ती वगैरह तो होती रहती है। हाँ ना, मैं आपसे जाती तौर पे खुद माजरत करता हूँ, और मैं आपको मैं यकीन दिलाता हूँ अगली बार ऐसे नहीं होगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, बस आप भी दरगुजर कीजिए ना, गुस्सा थूकिए। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ अनवार साहब? अरे भाई तुम्हें कहा भी था कि ये घर के मामला जो है ये तुम संभालो। क्यों? नाविश का बाप था, हत्थे से उखड़ा हुआ था। पर हुआ क्या है? कह रहा था कल रात आपके यहाँ हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है, किसी में भी आप में से हमारे साथ मेहंदी का खाना नहीं किया। क्या अल्लाह, रिश्तेदारों ने हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है, बातें बना रहे हैं अजीज। तो ये बातें आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? मैं तो गई थी बॉर्ची खाने में, बस बड़ी देगची निकाल ही रही थी मैं कोरमे के लिए कि ऊपर से वो आपा नाजिल हो गए, इतनी जोर से मेरी कलाई पकड़ी है कि ये देखिए उनके जहरीले नाखूनों के निशान। अल्लाह क्या कर रहे हैं अनवार साहब, दरवाजा खुला हुआ है। पाशी का तो आपको पता ही है, जले पैरों की बिल्ली की तरह कभी इधर कभी उधर। जाहिल औरत को समझ नहीं आती कि लड़कियों के ससुराल वालों के साथ कितना मुनाफिकाना रवैया रखना पड़ता है। और क्या, भले दिल से गालियां निकल रही हो लेकिन आप सदके बारी वाली मुस्कुराहट जो है होंठों के ऊपर सजा के रखते हैं। पता नहीं ये क्यों चाहती है कि इसकी औलाद की शादियां ना हो। अल्लाह अनवार साहब थोड़ी तो गिरफ्त ढीली रखिए, कैसे फौलाद जैसे हाथ हैं आपके, पता नहीं क्या खाया थी है? कुछ टार्जन वार्जन तो नहीं थे पहले आप? चलो मैं जरा आहिस्ता। छोटी मामानी, बात वो नहीं है जो आप समझ रहे, ढिटाई की भी ना एक हद होती है, जो आंख से देखा हो उसे समझना जरूरी है। आप ऐसे ही हमारे किरदार की हजिया नहीं उड़ा सकते। ये इतनी जबान दराजी किस लिए? इसलिए ना कि तुम्हें उसकी शय मिली हुई है, एक कंगले नाकाम आशिक की शय पे ना इतना उछलते नहीं बीबी। वो परेशान थे, वो रो रहे थे और हमने सोचा कि हम उनकी दिलजोई कर दें। हाँ, उसे खुद से तोबा तोबा
मैं अपनी जबान नहीं खराब करना चाहती। अरे आधी रात को तुम एक लड़के के साथ अकेली थी, तुम्हें कोई खौफ महसूस नहीं हुआ या फिर तुम आधी हो इस किस्म के मेल झोल की लड़कों के साथ? अरे हमने कौन सी इंक्वायरियां की थी, हमें क्या पता भोपाल में तुम क्या गुल खिला रही थी। अगर मेरी बेटी होती ना तो उसके हाथ पैर तोड़कर हाथ में रख देती, लेकिन पराई लड़की पर मैं क्या करूं, मेरा बस नहीं चलता, बस सिवाय अपना खून जलाने के। छोटी मामानी आप हमारी माँ जैसी हैं। बस बस रहने दो, माँ जैसी, बाप जैसा, भाई जैसा, बहन जैसी, ये सब बकवासें हैं बीबी, सब बकवासें हैं। आजकल अपने खून के रिश्तों पर बस नहीं चलता तो ये तो गिरवी के रिश्ते हैं, इनकी क्या औकात। बस तुम अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो बीबी, तुम यहाँ नहीं रह सकती। कल जो मैंने रात को देखा है ना, उसके बाद मैं तुमको अपने घर में नहीं रखूंगी। तुम्हें अपनी शराफत और इज्जत पर यकीन होगा, लेकिन मुझे अपने बेटे पर जरा बराबर एतबार। इसीलिए मैं डरती थी, सोचती थी कि तुम्हारे मामू अपने बेटे की फितरत खूब जानते, लेकिन फिर भी तुमको वहां से कहां ले आए। वो इतने बुरे नहीं है, ऊपर ऊपर से ऐसे लगते हैं। आप अगर उन्हें इतना लोफर और बुरा समझेंगी तो वो वैसे ही बन जाएंगे। अब कोई कसर रह गई है क्या? और सुनो मैडम, तुम्हें कितने दिन हुए यहाँ आकर? तुम तो ऐसे जाहिर कर रही हो जैसे मैं उसकी माँ नहीं, तुम उसकी माँ हो। बस मैंने कह दिया ना, तुम इस घर में अब नहीं रह सकती। भाभी से बात हो गई तो तुम वहां जाके रहोगी, मैं पराई औलाद की जिम्मेदारी नहीं लूंगी। प्यारा उसने बना के दिया है, किस कदर का अच्छा डिजाइन है, बहुत प्यारा। अब ये खुद पहनना, डन पे मत चढ़ा देना। तौबा तौबा, ऐसी फिटकार है तेरी सास के मुंह पे कि क्या बताऊं। और ये भी जोड़ा अच्छा लग रहा है ना? हाँ, कलर भी तो प्यारा है इसका भी। हाँ ये भी। अस्सलाम वालेकुम छोटी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम, खुश रहो, जीती रहो, अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे करे। अल्लाह खाओ तो। ए टच मत करना। मैं तो कह रही थी शुगर लगता है बड़ी हुई है तुम्हारी, ऐसा सूजा सूजा सा मुंह लग रहा है। हाँ वाकई बहुत चौड़ा लग रहा है, मीलों तक फैला हुआ। अल्लाह साहब अब ऐसे तो ना कहना मेरी आपा को। वैसे इस घर में फसाद और ये बुरा माहौल जो है ना, ये इसकी जिम्मेदारी सब तुम्हारे पे आयद है रास का। इस घर की ही क्यों, अरे सारी दुनिया के फसादात की जिम्मेदारी तो मुझ पर है। मैं तो बहुत बड़ी तालिबान हूँ, पेट से बम बांधे फिर रही हूँ फटने के लिए बेचैन, और ये जितने लोग हैं इनको कत्ल करने के लिए इनके पीछे छुरा लेकर फिर रही हूँ। अनवार साहब ये आपकी चही थी, अगर मेरे हाथों कत्ल ना हुई तो बस मेरा नाम बदल दीजिएगा। क्या हो गया, पागल शागल हो गई हो है? तुम्हें कोई माहिर नफ्सियात को दिखाना चाहिए। हाँ मुझे माहिर नफ्सियात को दिखा दीजिए, और इसे अपनी चहीती को माहिर जिंसियात को दिखाइए। ये लफंगी आवारा बालकोनी में आधी आधी लटकी होती है सुबह शाम सवेरे। अल्लाह अब्बा ऐसा क्या कर दिया मैंने जो ऐसे बड़े बड़े बोतान लगा रही हो मुझ पे? अरे मेरी जिंदगी तो अनवार साहब से शुरू होती है और अनवार साहब पे ही खत्म होती है, आगे पीछे दरमियान और कोई स्टेशन कोई जंक्शन नहीं है। बस मेरे दिल के रेलवे स्टेशन पे तो सिर्फ अनवार साहब के नाम की गाड़ी रुकती है। तौबा तौबा तौबा, अनवार साहब जरा मुलायजा कीजिए इस लफंगी की लफाजी। मेरे दिल के स्टेशन पर अनवार साहब के नाम की गाड़ी रुकती है। चुप करो, तुम्हारा इसके साथ क्या मुकाबला, बच्ची है तुम्हारे सामने। अच्छा खैर ये फजूल बकवास बंद करो, मैंने जरूरी बात करनी है। कहाँ है वो भाईजान? मैं बुला के लाती हूँ। एक बात बताइए अनवार साहब, ये किस नमूने के ससुराली ढूंढ के लाए हैं आप इरम के लिए? अरे तुम तो मेरे साथ बात ना करो, क्या तुमने किया है? अपने घर वालों को क्या भर भर के खाना दे रही थी? ये नहीं हुआ कि बेटी के ससुराल वालों के साथ भी यूं करो? उताबिश के बाप ने मेरी यूं बेइज्जती की, मैं मारे शर्म उससे बात नहीं कर सका, मुंह नहीं खोल सका। क्या करता, माफी तलाफी करता रहा और क्या, हमेशा
तुमने जलील मुझे करवाया है। अल्लाह छोड़िए भी नानवा साहब, बहुत बुरा लगता है मुझे जब आप मेरी आपा को यूं बेनुक सुनाए चले जाते हैं तो। और ये देखो, मैंने इसे पढ़ाया सिखाया नहीं है, नेक रूह है, खुद बोल रही है। नेक रूह है, अरे ये बदरू है, बदजात। अरे इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं भाई, ये तो जली सड़ी है, खुद अपना खून जलाओगी, इस पे कोई असर नहीं होना। हाँ हाँ, मैं तो जाहिल हूँ, दफन हूँ, बेवकूफ हूँ, घामड़ हूँ। हो, ये है सलीका बेगम, तहजीब उन्निसा खातून। देखो कैसी आग लगी है बड़ी बी को। अब रहने भी दीजिए नानवार साहब। रहने दो जी अबू। हाँ भाई, अब मैं एक जरूरी बात करने लगा हूँ, मेरी बात अब सुनो, एक बार कहूंगा कान साफ करके मेरी बात सुनो। आज से घर का पूरा इंतजाम, खर्चे वगैरह सब पारो करेगी। ये बात बात पर ऐसे, ये शादी ब्याह के सिलसिले में मुझे दुकान में आप लोग फोन काले मत करें, रसीद बनाएं, पारो से पैसे मांगे, पारो आपको पैसे देगी। और समझ लो, इससे लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी रजा से है, मेरी मंशा से है, समझो। आज तो जन मुरीदी का आखिरी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया अनवार साहब, आखिरी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया आपने। एक बात कहूं, मेरे उससे शादी करवा दीजिए। मोटरसाइकिल कहीं नहीं लेके जानी, मुझे काम से जाना है, छोड़ो। जी बेहतर। और तुम ये इंसान कब बनोगे? मैं इंसान नहीं हूं। खैर, ये बात तो आप खुद बेहतर जानते हैं कि इंसान की औलाद इंसान और जानवर की औलाद जानवर होती है। बदतमीज, तमीज नहीं है बाप से बात करने की, बदमाश लफंगा। बस और भी कुछ कहिए ना, बिल्कुल दिल नहीं भरा मेरा। सब जानता हूं मैं, अच्छी तरह जानता हूं। उस लड़की का पीछा छोड़ दो, बहुत नेक और शरीफ बच्ची है। मैं अपनी जिम्मेदारी पे हिंदुस्तान से लेकर आया हूं उसको। मैंने उस लड़की के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, वो मेरे लिए कॉफी बना रही थी, लाइट गई हुई थी और मैं बस बस, से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सारा स्क्रीन प्ले पता है मुझे। बहुत खुशी होती है अपने बारे में आपके तबसरात सुनकर। अगर आप ये सब मुझे ना बताते तो बहुत गिल्ट रहता मेरे दिल में, वो और भी बुरा होता। पर ये अच्छा, बहुत अच्छा। एक बात कहूं, मेरी उससे शादी करवा दीजिए। मैं खुद को बदल लूंगा। वाह, क्या कसूर है उस बच्ची का। अरे तुम सोच भी नहीं सकते कि वो और उसकी माँ ने हिंदुस्तान में कितनी तंग जिंदगी गुजारी है। हाँ। और मैं अब उसे इस दीमक के हवाले कर दूँ। इतना सफाक और खुदगर्ज नहीं हूं मैं। यानी आपको अब मुझसे कोई भी उम्मीद नहीं? हाँ नहीं है, दफा हो जाओ। तो तुमने कर ली तैयारी जाने की? आप जाइए यहां से, हम ही नहीं है घर पे।
मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, बहुत सी बातें हैं मेरे दिल में। वो जो भोपाल से आई है जहां आ रहा, हाँ हाँ, घर में जवान लड़का है, मैं बीमार रहती हूँ, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ पता नहीं चलता। तो परेशान क्यों हो रही है, जहारा पाशी के साथ रह लेगी। अनवार साहब ज्यादा दिल पे ना लेना, ऐसे ज्यादा स्ट्रेस हो जाती है ना, टेंशन हो जाएगी। देखो हमारे घर में औरतें इतनी देर तक नहीं सोती हैं, समझी? पूरी रात नहीं आए आप, अजनबी घर में एडजस्ट करते हुए टाइम लगता है, मियां का साथ होना चाहिए उस वक्त। अच्छा तुम तो ऐसे शो कर रही हो जैसे मुझसे पहले तुम्हारे घर में कोई 8-10 शौहर थे तुम्हारे,